Good evening. I'm Sanjay Agarwal. I have Kiran Pundir. She's an artist and she's the curator of the show Uran. IFIT Gallery. This was started on the 22nd of April. This will continue till 28th of April. And Kiran Pundir ji, jo hai, she's from which school? Delhi College of Arts. Delhi College of Arts se hai, ma'am. Maine kiya hai apna graduation BFA a long time back. Yes, Bachelor of Fine Arts. Bachelor of Fine Arts. Yes. So abhi hai ma'am jo hai jo unsung heroes hai, main bol raha hu. The artist. So ye Mr. Tokas. So what is it? Yes. इन्होंने ये लैंडस्केप बनाया है और अपने खिड़की से जो मनी प्लांट दिखाई दे रहा था उसको बनाया है. ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है ये आर्टिस्ट हमारे और आप कर रहे हैं आर्ट और हमारे साथ एग्जिबिट किया है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट साकेत. वी मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. Kiran ji, we see a child monk here and there's small squirrels and pigeons. Peace sky ne dikhaya hai apne. And ye inke upar painting hai Rajendra Kumar hai. Aur inka ye painting lockdown ke upar inhone banaya ye painting ko. Lockdown mein jo unhone feel kiya uske bare mein unhone banaya hai. और ये उसके आगे जो है आप देख सकते हैं ये आजाद जी है. ये जामिया के स्टूडेंट रहे हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट फ्रॉम दिल्ली सॉरी जामिया एंड मास्टर भी उन्होंने जामिया से ही किया है. ये नेक्स्ट ईयर आर्ट है जे के आजाद जी ने उनका काम है. वेरी फाइन वर्क एंड वाइब्रेंट कलर्स. ये हमारे ओडिशा से ये आर्टिस्ट है अंजनिया मॉ पात्रा इनका नाम है. ये आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बोर्ड लगा के गणेशा फॉर्म्स बनाई है. गणेशा ओरिजिनल पेंटिंग्स और इसके आगे आप हैं ये ऋतु गोयल है फ्रॉम गाजियाबाद. हाँ और ये एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया है. इससे आगे हम आ जाते हैं विभा सिंह जी हैं. ये इसी तरीके से अपना जो है आर्ट करती है बड़ा इसमें टेक्सचर वगैरह है इनका. ये श्रीनाथ जी बनाए हैं इन्होंने. ये बहुत अच्छा है इनके अगर आप काम देखें तो बुद्धा गणेशा शिवा बहुत अच्छे तरीके से इनका काम वर्क सीनियर आर्टिस्ट. हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू मेक दिस. कितना समय लगेगा. हर आर्टिस्ट का अपना अलग. नहीं नॉर्मली एज स्टूडेंट आर्ट वर्क तो काफी टाइम लगता है लगभग एक महीना से ऊपर एक पेंटिंग बन जाता है. एंड सपोज ये देखिए ना बहुत बारीक यहाँ साइज प्राइस जो होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है साइज के हिसाब से होता है और मटेरियल के हिसाब से भी होता है. अगर कोई एक आर्टिस्ट अपने आर्ट का प्राइस तैयार करता है तो उस तरीके से सब चीजों को ध्यान में रखने करता है. श्रीनाथ जी दोनों पेंटिंग भी हमारे एग्जीबिशन में बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं. इवन मैं तो ये कहूंगी कि जयपुर से ज्यादा आए हैं. ये हमारे आर्टिस्ट जयपुर के हैं हेमल इनका नाम है और ये लैंडस्केप बनाती हैं. आप देखिए कितना खूबसूरत लैंडस्केप है. सबको बहुत पसंद आ रहा है. विजिटर्स बहुत कुछ पूछ रहे हैं इनके बारे में. तो ये गोधुली जो बोलते हैं गोधुली बोलते हैं ना राजस्थान में तो शाम का समय होता है. हाँ गोधुली वाला जो समय है उसी समय का ये उन्होंने बनाया है. बहुत अच्छा हाथ है उनका. बहुत अच्छा पेंट करती हैं. कलर्स देखिए आपने कितने बैलेंस करके लगाए हैं. कोई भी बहुत हार्ड कलर नहीं है कि आंखों को एकदम से चुभे पेंटिंग के अंदर की. यार ये बहुत डार्क हो गया कैसे हो गया वाली बात नहीं है. बहुत सूदिंग कलर्स बहुत प्यारे अपना ग्रीन बड़ा बिल्कुल नेचुरल जो होता है घास उस तरीके का इन्होंने यूज किया. लोग पसंद कर रहे हैं. थैंक यू. हमारी आर्टिस्ट जो है वो बॉम्बे से है रुखसाना दुर्गा इनका नाम है. बहुत खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. बहुत सूदिंग कलर्स आप देख रहे हैं इनके भी.
और लैंडस्केप्स हैं उन्होंने देखिए छोटे छोटे और भी तीन काम हैं, आप उसकी ब्यूटी देख सकते हैं जैसे है। तो ये कोई भी अगर इनको सबको खरीदेगा तो कोलाज बना के लगा सकता है, जैसे से हम बीच में भी ऐसे लगा yes. सकते हैं लाइन से right. ये बहुत ही सुंदर एक नए किस्म से छोटा छोटा काम, मिनिएचर काम, छोटे साइज का काम, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा फॉर्म में बहुत टेक्सचर बेस्ड काम करती है। कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे स्पेशली लोगों ने तो अप्रिशिएट किया ही है विजिटर्स ने, पर मुझे बहुत ही पसंद आता है। हमारे पास हमारे इस शो में दो डॉक्टर फ्रॉम मेडिसिन डॉक्टर मीन्स है रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, वो दो आर्टिस्ट हमारे वो भी लगे हुए हैं। इनसे हम आगे चलते हैं, ये हमारे शैलेश आर्टिस्ट हैं और बॉम्बे से है, ये बेसिकली आर्किटेक्ट है बट कलर को भी इन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके पेंटिंग के रूप में बहुत ज्यादा जो है ले लिया है और रेगुलर पेंट करते हैं। इनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बहुत बिकती है और बहुत ही अच्छे जो कॉम्बिनेशन के साथ कलर टेक्सचर के साथ ये अपने ये लैंडस्केप्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद ये हमारी आर्टिस्ट है कृति अवस्थी और इनका जो ये काम है ये मार्बल डस्ट पे ये काम करते हैं, मार्बल डस्ट के साथ, और बहुत ही सुंदर काम है, दुर्गा के रूप बनाए हैं उन्होंने और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनको भी। इसके बाद ये है हरिओम, ये दिल्ली से है, ये हमारी है प्राची, ये राजस्थान से है, इसके बाद ये यूपी से है, शुभम इनका नाम है, उससे आगे ये यहाँ से आप कट कर लेंगे, नित्य सोनी इनका नाम है, ये स्टूडेंट है, इनके आजकल एग्जाम चल रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैम, जो फिश गोल्डन फिश दिखा रहे हैं परफेक्ट। इनका नित्य सोनी इनका नाम है, ये हमारे बॉम्बे से साहिल, इनके पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं इस तरीके से, एंड उससे आगे है चाइनीज चंद्रिका नाम है इनका, सॉरी चंद्रिका नाम है, ये भी जयपुर से है, ये नीलेश जादव जी, राइट नीलेश जादव है, ये बॉम्बे से है। फिर ये डॉक्टर हैं डॉक्टर सविता वर्मा, ये भी राजस्थान से है, नेक्स्ट गुजरात से है, तो अलग अलग स्टेट से हमारे यहाँ जो है आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज अ मिक्स्ड डबल पेंटिंग है ये, राइट वेरी गुड। ये कहाँ से है मैम आर्टिस्ट? ये भी राजस्थान से, जयपुर से है, ये बेंगलोर से हमारी आर्टिस्ट, राइट। तो सौम्या पाठक इनका नाम है, फिर हमारी रीना तोमर आ गई, ये जयपुर से है, फिर दिल्ली से है, ये भी दिल्ली से है, तो इस तरीके ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पर। परफेक्ट मैम, राइट। सो ये एग्जीबिशन इज टिल द 28th इवनिंग 6 o'clock इवनिंग। थैंक यू मैम। साथी बात करो मैम, ये है इंदु जग्गी, डॉक्टर इंदु जग्गी है, ये दिल्ली से है और ये मेडिसिन में डॉक्टर है। Ooh, perfect. Very. वो किसी में भी हो सकता है। Yes. कितना खूबसूरत जो है ये। Very beautiful paintings. इन्होंने ये मेडिसिन से है डॉक्टर चांदना दीक्षित, ये देखिए इन्होंने म्यूजिशियन बनाया है, फिर ऊपर उन्होंने पेन एंड ड्राइंग का, पेन एंड इंक का काम किया है। Perfect. वाटर कलर। Perfect. This is the unicorn. Unicorn. This is done by Swapna Malwade from Pune. Okay, perfect ma'am. What do you know? Friends, we have Guru. He's not my Guru. So he's an artist and he's wearing this Coca-Cola classic. So jab hum log chai pee rahe the to mera inse parichay hua ji and we exchanged some good words. Hi. You want to join in the interview? Great. So Guru, when did you start painting? How did you get into the world of painting? Since 25 years. Okay. I'm 25 years old. Since birth. Yeah. Right. You were born with a brush. Yeah. Very well, when I see artist's color, you're born with a brush. Yeah. Exactly.
So I've been doing it since birth. And okay. What's your background? What's your education background? Education background, the same. I've done fine arts painting. कहाँ से करा है? Amity University. Amity. Yes. Okay, so you completed? Yeah, graduation is complete. It's completed. I mean, what are your future plans? Future plans are to get better and be the best. Okay, wonderful. We wish you all the best. Yeah. So what are you trying to show here? This is a direction. Yeah, this is a from Hollywood. Yeah, the Whiteman concert. Right. So I got a picture and directed it as my vision that I wanted to show. Perfect. This is monochrome and this is colorful. Excellent. Let me get a close up. Yeah. So, yeah. And what about the this painting? Is of Heather movie. Okay. I've taken three different scenes and combined it into one used with a brush pen. And this is a canvas pe banaya maine ye acrylic se. Why you made it in two parts? Because it was pehle aadhi banayi fir mood laga ki kuch kami rahi. I had two canvases, so I was thinking ke in dono ko combine karke in pe kuch bada banaya jata hai. This is called economical painting. Yeah. You save money. Yeah. No wastage. Right. Eco-friendly painting. Yeah. But what's about the next one? Yes. This is also from a movie. I've taken three scenes and combined like the previous one. Schindler's List. Seems to be some comedy, and is it Hitler? Nazis and all. Exactly. Good. Perfect. Schindler's List. Yeah. Okay. Good. Perfect. Yeah. And what do you have here? The man from Scarface. Oh wow! So you're influenced by the movies. Yeah, pretty much. Great. Because I'm into direction. Oh wow! Lovely. Yeah. One. I want to know from you about this painting. Here there's so many artists displayed from all over India. So this painting, what is this form of art? This is I really like it because the artist Priti Awasthi, she's pretty old and the did you meet her? Yeah, I met her and she's pretty old and the what do you call that? कि उनके हाथ में इतना ज़्यादा वो है stability. The stability is so much, very much required in the form of art she has done. Yes, yes. And patience. Right. And so we here in Malayalam, we have Navdurga Maa, we have Lord Ganesha, Parvati Maa, which we have depictions. Mythological. Yes. The lion is there. Yeah. So everything is there in this. Yeah. So I think thanks for telling us about this. Yeah. Thank you. One second. What's your name? My name is Karan. Okay, so Karan is also an artist, but today we are taking him as a viewer, so he come to the gallery and he's gone to all places. So when I go request Karan, how does he find this painting? This is by Swapna Balwadi. It's all about, like, you know, about a girl dream, like, wo jo chahti hai, uska bachcha tall bada hua hai. और वो जो लड़की है वो देख रही है कि उसका बचपन कैसा था लाइक यू नो क्या जॉय इट्स रिफ्लेक्शन द पास्ट परफेक्ट वो कर रहे करके एंड व्हाट इज यूनिकॉर्न व्हाट इज इट दिस इज अबाउट ये इस गर्ल का हो सकता है ड्रीम है जो अपने ड्रीम में यूनिकॉर्न को देख रही है राइट और वो किस तरह से मतलब जो उसको मतलब फैंटेसी उसको हर तरफ प्यार दिखता है परफेक्ट परफेक्ट बट उसके अंदर जो ये डार्क कलर है उसमें ये भी है कि हमारे जो जो हमारे समाज में वो है क्या नाम है लड़कियों को लेके नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो भी ये दिखा रहा है इट्स समवेयर कि वो टच है करके क्योंकि उसके स्माइल नहीं है बट स्टिल लाइक यू नो शी हैव सम ड्रीम्स कि वो उड़ना चाहती है परफेक्ट Yeah. So look into the camera and you talk about yourself, how long you've been painting, you're also artist by profession or? No, it's not by profession, okay. I just started for like my, you know, I want to consume my time. Right. What do you do otherwise? How otherwise, you? I'm a hotel manager. Okay, very good. Delhi, which hotel? I work with OYO, I work with Holiday Inn, I've been to UK. So when you go there, you'll see them. Then they like to search even your let's meet Karan in the hotel. But ये ये कि मतलब ये जो आर्ट गैलरी में ना ये मैं उनका उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है थ्रू लाइक यू नो लाइफ और जो उनके अंदर जो भी उन्होंने समाज में लेकर वो किस तरह से अपना कैनवस को उतार रहे हैं और अपने टीम को पूरा कर रहे हैं Great. Thank you, Karan. Thank you. Yeah. Perfect. Bye.